जिस किसान के पास खेत है उसके पास पानी नहीं है, जिसके पास खेत और पानी है उसके पास बिजली नहीं है। बीज के लिए किसानों को लंबे क्यू में खड़ा होना पड़ता है और कीटनाशक के लिए पैसे उधार लेने पड़ते हैं, और इस सब के अलावा प्राकृतिक विपत्ति भी होते हैं। इतने कठिनाइयों के बावजूद भी किसानों को अपने उपज पर लाभ मिलना मुश्किल है। ये इस बार भी मेरे फसल के साथ क्या हो गया? इस बार भी अच्छी फसल शायद नहीं मिलेगी। इस बार भी खेती के लिए बहुत उधार ले चुका हूँ, इस फसल से तो कमाई भी बहुत कम होने वाली है। विष्णु के खेत में तो इस बार बीमारियां नहीं आए हैं। मुझे शायद उससे पूछ लेना चाहिए कि वो अपने फसल को कैसे बचाया। अंधेरे में तारों के जैसे इन सवालों के जवाब भी समय के साथ मिल जाते हैं। नेल्लूर जिले के मुसनूर गांव का विष्णुवर्धन ऐसा ही एक सितारा है। वे अपने गांव के सभी किसानों के लिए आदर्श है। अच्छे विद्यार्थी होने पर भी विष्णु अपने अन्य दोस्तों की तरह नौकरी के खोज में शहर नहीं गया। वो अपने पिताजी की तरह अपने ही गांव में सुस्थिर खेती करता है। विष्णु, अरे शिवा, तुम्हें यहाँ आना कैसा हुआ? क्या बताऊँ विष्णु, मेरे फसल में कुछ बीमारियों के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। हर तरह के कीटनाशक इस्तेमाल करके देख चुका हूँ, कोई लाभ नहीं हो रहा। तो ये आपके परेशानी का कारण है? ठीक है शिवा, चिंता की कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसी जानकारी दूंगा जिसे फायदा भी होगा और खर्च भी कम होगा। अगर हम ग्रीष्मकालीन जुताई करेंगे तो हानिकारक कीट के अंडे और लार्वे मिट्टी से बाहर आ जाएंगे और धूप में नष्ट हो जाएंगे। हमें उपजाऊ के लिए 30 किलो बीज को साफ करना है और उसमें से बेकार के बीज को अलग करना है। साफ बीजों को बीजामृत से शुद्ध करना है। इससे बीज को हर तरह के बीमारियों से बचाया जा सकता है। बीज शुद्ध करने के बाद उसे सुखाना जरूरी है। इसके बाद धान के लिए नर्सरी इस तरह से तैयार करना है। रोपाई से पहले पत्तों के ऊपरी भाग को काटने से कीड़ों के अंडे और लार्वे निकल जाते हैं, पौधे भी अच्छे संख्या में बढ़ जाएंगे। हर 2 मीटर की दूरी पे 1 फुट गहरा गली खेत में उत्तर पश्चिम दिशा में बनाना चाहिए। इन गलियों की वजह से सभी पौधों को अच्छी तरह से हवा मिलेगी, मच्छर भी कम आएंगे। हम अजोला भी उपयोग कर सकते हैं। इसे अजोला कहते हैं। ये पानी में उगने वाली एक फर्न है। अजोला धान के पौधे को नाइट्रोजन देता है। ये खरपतवार और मच्छर को कम करता है। विष्णु, ये क्या कर रहे हो? शिवा, इन सबको पक्षी बसेरा कहते हैं। हम 3 लकड़ी लेके इन्हें इस तरह बांधेंगे और ऐसे 7 या 8 को 1 एकड़ में खड़ा करेंगे। इन पे पक्षियां बैठेंगे और फसल पे दिखने वाले कीड़ों को खा जाएंगे। और इसे कितने दिनों तक रखना चाहिए?
प्रत्यारोपण के 15 दिन के बाद इन पक्षी बसेरों को खेत में लगाना चाहिए। जैसे बताया था, पक्षी वहां रुक के कीड़े खा जाएंगे, इस तरह फसल में कीड़े कुछ हद तक कम हो जाएंगे। ध्यान देना, फसल आने से पहले इन पक्षी बसेरों को खेत से निकाल देना चाहिए, नहीं तो ये पक्षी उपज भी खा जाएंगे। अब ये क्या है? शिवा, इन्हें पीली प्लेट्स कहते हैं और इन पीली प्लेट्स को इस तरह लगाया जाता है। इन्हें लाठी पे बांधने के बाद इनपे गोंद लगाया जाता है। और इससे क्या होगा? इन प्लेट्स को धान के खेत में लगाने से कीड़े आकर्षित होंगे और इनपे चिपक के मर जाएंगे। इसे मच्छर भी कम हो सकता है। हर 2 दिन में प्लेट साफ करके उनपे फिर से गोंद लगाना जरूरी है। विष्णु, ये डंडे किस लिए हैं? ये डंडे लिंगाकर्षक जाल के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। लिंगाकर्षक जाल, वो क्या होते हैं? शिवा, ये देखो, इसे लिंगाकर्षक जाल कहते हैं। ये प्लास्टिक की प्लेट पे ये ल्यूर इस तरह लगाया जाता है। इसके बाद ये नीचे जो नेट है, जो जाल है, इसे भी इस तरह लगाते हैं। ये लो, लिंगाकर्षक जाल तैयार हो गया है, जिसे हम उस डंडे पे लगाएंगे। ये देखो शिवा, इसे इस तरह लकड़ी पे बांधते हैं। इस ल्योर से मादा कीड़ा की खुशबू नर कीड़ा को आकर्षित करता है, जो यहां आने से इस जाल में फंस के मर जाते हैं। इसे खेत में इस तरह लगाने से कीड़ों की मात्रा कम हो सकती है। शिवा, खेत में रात को आने वाले कीड़ों का निवारण करने के लिए दीप जाल का इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले 2 लकड़ियों को लेकर उन्हें इस तरह बांध लेना। इस विधि में लकड़ी को खेत में इस तरह गाड़ा जाता है और उस पे एक बिजली का बल्ब टांगा जाता है। नीचे एक बर्तन रख के उस पे पानी भरना जरूरी है। इस पानी में थोड़ा किरोसिन डाल देना चाहिए। रात को इस बल्ब की रोशनी से कीड़े आकर्षित होते हैं और इस केरोसिन में गिर के मर जाते हैं। अब तक तो कीटनाशकों पे बहुत पैसे खर्च कर चुका हूँ। उम्मीद है कि इन प्रथाओं से फसल बेहतर होगी। इनके बारे में मुझे बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु।